Hi, my name is Vidhi Kishore Dhama. Hi, my name is Zanvi, and we are studying in Bogomolets National Medical University, Kyiv, and we are first year MBBS students right now. कहानी ऐसे शुरू होती है कि दो हफ्ते पहले there was an advisory Indian embassy से कि you may leave to your respective countries. जब सारी countries US, बाकी सारे रशिया अपने students को बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, इंडियन एम्बेसी ने ये एडवाइजरी जारी करी थी कि यू मे लीव. उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी से भी बात करी, एज मॉनिटर्स हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. जो हमारे ग्रुप में से जा रहे थे उनके डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करने के लिए लाइन घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे डीन ऑफिस के सामने. बट यूनिवर्सिटी वॉज लाइक कि ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं कर रहे थे. थिंग वॉज कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल. एज मॉनिटर्स वी वर आस्किंग अगेन एंड अगेन कि हमारा ग्रुप जा चुका है, प्लीज ऑनलाइन कर दीजिए, बट वो नहीं मान रहे थे. हम घंटों तक खड़े हुए हैं लाइन में, बट सीधा मुंह पे दरवाजा बंद करते थे कि नहीं, इट्स नॉट टाइम, आप घर जाओ, कल देखते हैं. कल देखते देखते करते दो हफ्ते हो चुके थे करते हुए, बट अभी तक क्लासेस ऑनलाइन नहीं हुई थी. अभी दो दिन पहले वो शुरू हो गया, एंड सडनली दे सेइंग कि ओके नाउ यू कैन गो, क्लासेस आर ऑनलाइन नाउ. और तब एयरलाइंस बंद हो चुकी थी, अब हमें नहीं पता हम क्या करते. यूनिवर्सिटी ने तब हमें ऑनलाइन क्लासेस करवाई या फिर क्लासेस कैंसिल करी जब कोई रास्ता नहीं बचा. चुके थे, एयरलाइंस बंद हो गई थी, मिडल ऑफ अ वॉर है, हम हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं, बॉम्ब्स फुट रहे हैं, साइरेंस कभी बज जाता है, कभी बंकर में भागना पड़ता है, लाइक वी आर लिटरली स्टक हियर. एंड अब वो कह रहे हैं कि ओके 13 मार्च तक क्लासेस बंद है, आर कैंसिल. And now जो डिसीजन उन्हें पहले लेना चाहिए था, दे आर टेकिंग नाउ, जहाँ अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम कुछ कर सके. हमारे पेरेंट्स बहुत वरिड है, हम बहुत वरिड है कि और साइड बाय साइड हम एम्बेसी से भी बात कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज न्यूज बहुत ज्यादा फेक भी आ रही थी और असली भी आ रही थी, तो हमें नहीं पता किस पे विश्वास करना चाहिए था. इसलिए मुझे पूछ रहे थे कि क्या करें. दे वर सेइंग कि आपके आंखों के सामने है, अगर आपको लगता है आपको जाना है तो आप जाइए, ये तो हम भी यहीं और आप भी यहीं. उनका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, एंड वी वर ऑन दैट. या और यहाँ के लोगों को भी बहुत विश्वास था कि नथिंग इज गोना हैपन. हम उनके विश्वास पे जी रहे थे, कह सकते हैं. और हम दूसरों को भी शांत कर रहे थे कि नहीं इट्स फाइन, हमें कुछ नहीं दिख रहा, बिकॉज एमएससी कह रही थी, यूनिवर्सिटी भी कह रही थी सिचुएशन अंडर कंट्रोल, तो हमें उन्हें भी संभाल रहे थे. बट हियर वी आर नाउ स्टक. या एंड अभी हम बंकर्स में रह रहे हैं, हमारा हॉस्टल के नीचे ही बंकर है, अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड है, एंड आर हॉस्टल इज बॉम्ब शेल्टर राइट नाउ. लाइक वी नो की 26 को यहाँ पे अटैक हुआ है, और उस दिन सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी. वहां पे 1000 स्टूडेंट्स थे, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग लवी खारके पता नहीं कहाँ 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 के जितने भी फंसे थे इस टाइम, वो हमारे शेल्टर में है, बंकर में रह रहे हैं, एंड दे आर सेफ. बट डर लगा रहता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हमारी इस टाइम. या वाटर सप्लाई नहीं है, खाना नहीं है, यहाँ पे तो कर्फ्यू भी लग गया है कल. स्ट्रिक्ट ऑर्डर की इफ We go outside, they'll just shoot. अभी हमें एडवाइजरी आई है कि ट्रेन खुलेंगी, ब्ला 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 ब्ला, बट हमें नहीं जाना क्योंकि हम कीव में रह रहे हैं. लवी स्ट्रिक्टली कर्फ्यू है, एंड थिंग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे. जो लवीव के बच्चे हैं वो बॉर्डर्स पे जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास है. हमारा कीव कम से कम 800 to 900 किलोमीटर दूर है, हम नहीं जा सकते. अगर निकलते हैं बाय रोड इट्स लाइक 15 to 20 आवर्स ट्रेवल, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग 100% रिस्क है. कुछ सेफ्टी नहीं और कोई साथ नहीं जाएगा, तो हम नहीं कह सकते कि हम वहां तक पहुंचेंगे भी सेफली या नहीं. दे आर सेइंग कि वहां से फ्लाइट्स हैं, बट वहां तक पहुंचने का जरिया क्या है हमें नहीं पता. हमें कोई हाथ नहीं है पकड़ने वाला कि हाँ यहाँ से तुम बॉर्डर तक जा सकते हो. प्लस हम जस्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अपनी बात करें तो हमें कुछ ज्यादा पता है नहीं यहाँ पे, तो इतना रिस्क लेना हमें से नहीं लग रहा, और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा. वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम आर इंडियन गवर्नमेंट इफ दे कैन हेल्प, सो प्लीज वी आर वेटिंग फॉर यू. एंड हमें लास्ट नाइट ही ऑर्डर आया था कि रशियन लोग आर टारगेटिंग मोबाइल्स जो क्लस्टर में है, सो हमें एरोप्लेन मोड और जियो लोकेशन बंद करने के लिए कहा गया. इफ वी मूव आउटसाइड वी डेफिनेटली नीड मोबाइल. या सो इट इज नॉट की सेफ हम यहाँ से बाहर जाए, और यहाँ पे अटके रहेंगे तो आर पेरेंट्स आर लिटरली वेरी वरिड, क्योंकि कोई होप ही नहीं है हमारे पास. We need Indian government right now, and please Indian government, if you're listening this, we need your. मतलब यहाँ पे 600 students रहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से. सब फंसा है, किसी के पास कोई होप नहीं है. They're just waiting कि कर्फ्यू खत्म हो और हम यहाँ से निकल पाए, जा सके. We are waiting for you. That's it. Yeah. We're not blaming. We know bioethics के rule.
या वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन यूनिवर्सिटी और एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट भी नो एज बायोथेक्स हम पढ़ रहे हैं हमें बताया जाता है कि इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिव और टू गो वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन हमें पढ़ाया जाता है और हम पढ़ रहे हैं और हमें भी ये चीज कहीं ना कहीं पता थी कि हो सकता है बट एज डॉक्टर स्टडी वी वर स्टडिंग एंड वी आर स्टडिंग दिस कि हमारी लाइफ हमारे हाथ में है एंड वी थिंक अबाउट अदर्स फर्स्ट वी डूइंग दैट एंड वी आर हेल्पिंग अदर्स जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं बट स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी हेल्प की जाए एंड वी आर वेटिंग फॉर यू एंड खाने के लिए वी हैव स्टॉक्ड अप बट एट द एंड वो कभी ना कभी खत्म होगा और पानी नहीं है देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं बट या